एक बार फिर पाकिस्तानी बॉलिंग को धोया गया है, नचोड़ा गया है, और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने आज पाकिस्तान के बॉलर्स को धोया है और पाकिस्तान के मेन बॉलर्स को धोया है। ऑस्ट्रेलिया ने नंबर वन बॉलिंग लाइनअप, इसको हमने सर पे बिठाया होता है कि हमारी नंबर वन बॉलिंग लाइनअप हमारी ये हमारी वो, ऑस्ट्रेलिया ने मिलके सबका ऐसा घंटा बजाया, ऐसा घंटा बजाया ना कि इनकी औकात इनको नजर आ रही है होगी। बट वर्ल्ड क्लास बॉलिंग जितनी भी मैसर थी, वसीम जूनियर, शाहीन, हारिस, शादाब, उसामा मीर, आप लेके यही आए, ये सब मौजूद थे और आपने करीब 350 रन करवा दिए। मैंने कहा इतने ज्यादा रन पड़े 172 फॉर 5 से लेकर 351 तक जो है वो रन जोड़ लिए ऑस्ट्रेलिया ने आखिर के 25 ओवर्स में। तो क्या कर रहे थे टीम पाकिस्तान के बॉलर्स, यानी हारिस रऊफ जो है वो आपके मेन बॉलर हैं, उनको आप सेकंड बेस्ट बॉलर कंसीडर कर रहे हैं अपनी टीम का, वो आपके सेकंड बेस्ट बॉलर हैं सर, और उनके साथ जो आज ऑस्ट्रेलियन टीम ने किया है मैं कहता हूं कि हमारे लिए आई ओपनर है। ओ भाई नंबर वन बॉलिंग लाइन आपकी टट्टी निकाल दिया ऑस्ट्रेलिया ने आज, मेरे घंटे का किंग। आज ऑस्ट्रेलिया ने एक दफा फिर आखिरी 20 ओवर में 170 रन का फेटा लगा दिया, आखिरी 10 ओवर में 103 रन बन गए। हम कहां छुपाएंगे, या तो बैटिंग अब ये सोच ले कि जब भी आपने मैदान में उतरना है आपने 8 रन रेट पर ओवर के लिहाज से 400 रन बनाने, तो ये बॉलिंग आपको सेटल करके दे सकती है, वरना तो बाबू बैड न्यूज़ है। क्यों तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जब आपने सबने फैमिली बनकर ठोकाई खानी है, आपने किसी के भी बल्ले से अपने मुंह पे चमाटे छक्के चौके लगवाने, आज हैदराबाद के अब हम निकल कर आ गए यार, वरना बंद दरवाजों में पिट रहे थे। आज तो दरवाजे खोल के लोगों ने देखा इनको पिटते हुए यार, पूरा शाहीन बॉल लेके भाग रहे, तो हैदराबाद के ग्राउंड से आवाजें उठ रही है, मेरा शाहीन, मेरा शाहीन, शाहीन, मतलब इतनी आवाजें तो ना मुल्तान में लगी ना इसको। लेकिन हारिस रऊफ को तो उन्होंने मैं कहता हूँ नंगा करके उल्टा लटका के नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज ऑस्ट्रेलिया टीम ने पाकिस्तान को वार्म अप मैच में दौड़ा दौड़ा के मारा है और 351 का टारगेट दिया है पाकिस्तान को, जो अनचेजेबल लग रहा है पाकिस्तानी बैटिंग को देख के ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग के सामने। लेकिन जिस तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने धुलाई की है जो पाकिस्तानी बॉलरों की, ऐसा लग रहा था कि भाई वॉशिंग मशीन में पुराने कपड़े धो रहे हैं। और जिस तरीके से डेविड वार्नर ने आके 48 मारा, फिर मैक्सवेल ने मारा, फिर इंग्लिस ने मारा, और क्या ही बताएं, मतलब दौड़ा दौड़ा के इनकी बॉलरों को आज धुलाई हुई है। और ये जो पाकिस्तानी बोल रहे थे कि हमारे तो भाई 150 प्लस बॉलर है, हमारे तो वो मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलर है, आज इनकी वर्ल्ड क्लास बॉलर की मतलब धागे खोल के रख दिए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने, तो इसके लेकर पाकिस्तानी मीडिया जमकर धुलाई कर रहा है पाकिस्तानी टीम की। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का घंटा बजा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने नंबर वन बॉलिंग लाइनअप, इसको हमने सर पे बिठाया होता है कि हमारी नंबर वन बॉलिंग लाइनअप हमारी ये हमारी वो, ऑस्ट्रेलिया ने मिलके सबका ऐसा घंटा बजाया, ऐसा घंटा बजाया ना कि इनकी औकात इनको नजर आ रही है भाईजान, ये घंटा भी नहीं बज रहा, ये घंटा एशिया कप से बजता आ रहा है। ओ मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का आज घंटा बजा है, और टेपिया को मार पड़ी है आज आरएस रऊफ, टेपिया को 10 ओवरों में 100 पड़ा है, वो टेपिया को तो उन्होंने कुत्ते की तरह मारा ना, कुत्ते को भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप जो है प्यार बरता लेते हो। लेकिन हारिस रऊफ को तो उन्होंने मैं कहता हूँ नंगा करके उल्टा लटका के कितना मारा। ओ भाई नंबर वन बॉलिंग लाइन आपकी टट्टी निकाल दिया ऑस्ट्रेलिया ने आज, मेरे घंटे का किंग हारिस रऊफ को इतना मारा ओ भाई को समझ नहीं आएगा मैं बॉलिंग किधर करूं। ऑस्ट्रेलिया ने 350 कर दिया, मुझे पता है आधी बैटिंग लाइनअप कोई अचेत नहीं होना, शाहीन अफरीदी, शदाबान, सारी बॉलिंग लाइनअप ट्राई की गई है, सबको पड़ी है, वो सबको पड़ी है। और मिचेल स्टार का आपको 200 भी बनाने नहीं देगा, मिचेल स्टार का आपको 200 भी बनाने नहीं देगा। और घंटो शर्म करो थोड़ी सी, बाबर आजम यही 211 लेके लिया जा रहा था ना कि जी मैं 211 लेके जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, सौ के अंदर हो गया, फटका दिया ऑस्ट्रेलिया ने आज आपको, आज आपको आपकी औकात याद दिलवा दिया है, आपका घंटा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया ने। आप करे बाबर आजम रन, आप खेले बाबर आजम मैच विनिंग इनिंग्स, मेरा रन खेलेगा बाबर आजम मैच विनिंग इनिंग्स खेलना ना बड़ा मुश्किल काम होता है, इतना आसान काम नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया इनको कि अपनी औकात में रहो, आपकी औकात यही है। और भाई ये बातें कर रहे थे ना कि हमारी नंबर वन बॉलिंग लाइन अप है, हम ये है, हम वो है, सबके हाथ में डाल दिए हैं, सबको सबकी औकात पता चल गई है, भैया कितने पानी में है बगैरत। आओ ना बाबर आजम आप करें डिफेंड, क्योंकि बाबर आजम अपने काल तो जका अशरफ ने भी बोल दिया है कि बाबर आजम अपनी मर्जी की टीम लेके जाओ एशिया कप वर्ल्ड कप में। हारिस रऊफ को जितनी को मार पड़ी है ना, उसको तो दुब्बा बना दिया उन्होंने मार मार के। और टेपिये आना इधर, बाबर आजम का मुंह इतना लटका हुआ था, इतना लटका हुआ था, बाबर को केला, बाबर के अंदर केला दफा हो गया हुआ था, केला बाबर के अंदर चला गया हुआ था जब मार पड़ी थी। ऑस्ट्रेलिया ने आपके अंदर कर दिया, आपको मार पड़ गया है।
ये फाइनल में जाएंगे होगी, बट वर्ल्ड क्लास बॉलिंग जितनी भी मैसर थी, वसीम जूनियर, शाहीन, हारिस, शादाब, उसामा मीर, आप लेके यही आए, ये सब मौजूद थे और आपने करीब 350 रन करवा दिए। आज बाबर रिजवान नहीं है तो आज आपको ये दिखाना होगा कि आप रन कितने बनाते हैं 351 के जवाब में। ऐसा ना हो कि 251 भी ना बने। आखिरी के 10 ओवर की जो कप्तानी है वो बाबर आजम ने करी है, 101 रन बने। मैं क्या गलत हूँ क्या? अच्छा, अभी रमेश भाई खुद ही कह रहे थे 49 ओवर के अंदर कि बाबर की कप्तानी की जो स्किल्स हैं उसके ऊपर बड़ी उसकी उसको बैच किया जाता है। और बात ठीक है, ओवर में तो 85 रन बने, आखिरी 86 रन बने। ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रहा था, 5 विकेटें ले ली थी, उसामा मीर छा गया था, हारिस ने स्मिथ को आउट किया, ये तो 5 विकेटों के बाद बनाए भाई इन्होंने 150-160 से ज्यादा। मुझे बताइए रन किसने मारे फिर ऑस्ट्रेलिया के? मैक्सवेल ने। तो आप ले गए जॉर्ज इंग्लिश, जो प्लेइंग 11 में भी नहीं होगा उसने मारा है वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। 28 बॉलों पे 48 वो मार के चला गया, महरूम रह गया। 97 रन दिए हारिस रऊफ ने, जो कह रहा है कि हम बड़ा सोच रहे हैं हम फाइनल खेलेंगे। देखिए यार, इसके आज मोहम्मद वसीम की आपने बॉलिंग देख ली होगी, अबे यार 80 रन 70 75 रन तो ये खा गया 8 ओवर। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर जब आपने सबने फैमिली बनकर ठोकाई खानी है, आपने किसी के भी बल्ले से अपने मुंह पे चमाटे छक्के चौके लगवाने, आज हैदराबाद के अब हम निकल कर आ गए यार, वरना बंद दरवाजों में पिट रहे थे। आज तो दरवाजे खोल के लोगों ने देखा इनको पिटते हुए, यार पूरा शाहीन बॉल लेके भाग रहा है तो हैदराबाद के ग्राउंड से आवाजें उठ रही है, मेरा शाहीन मेरा शाहीन चाहें, चाहें। मतलब इतनी आवाजें तो ना मुल्तान में लगी ना इसको। जॉश इंग्लिश नहीं खेलेगा प्लेइंग 11 में, जो उसने हारिस रऊफ को छक्का मारा है, तेज तरीन बॉल थी वो आज की दिन की। उसका कप्तान है ना मैक्सवेल, मैक्सवेल ने मारा है, इंग्लिश ने। अबे भैया ये नेट बॉलर ही है, ठीक है, ये नेट बॉलर ही है और ये भले खेल, ये 100 मैच और खेल जाए ये नेट बॉलर ही रहेगा। जॉश इंग्लिश जिसकी जगह नहीं है वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में भाई, वो रिवर्स पे छक्के, अबे रिवर्स पे छक्के मार रहा है यार वो। भाई पाकिस्तान क्रिकेट ना हुई, एक तमाशा लग गया, एक से जान छूटी है तो दूसरे के हत्थे हम चढ़ जाते हैं, जिस तरह से आज तमाशा देखने को मिला। बाबर आजम पहले क्या अपने आप को बचाता था, यहाँ तो हर शाह पे उल्लू बैठा है। आज शादाब ने जिस तरह से कप्तानी की है, मतलब कोई प्रॉपर पाकिस्तान क्रिकेट का फैन तो सर दीवार पे मारेगा कि आराम आराम से 350 बना रहे हैं प्रैक्टिस मैचों में, जहां टीमें अपना प्रॉपर क्रिकेट भी नहीं खेल रही। एक बार फिर पाकिस्तानी बॉलिंग को धोया गया है, निचोड़ा गया है, और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने खासतौर पे इन द लेटर एंड ऑफ द इनिंग्स, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने आज पाकिस्तान के बॉलर्स को धोया है और पाकिस्तान के मेन बॉलर्स को धोया है, यानी हारिस रऊफ जो है वो आपके मेन बॉलर हैं, उनको आप सेकंड बेस्ट बॉलर कंसीडर कर रहे हैं अपनी टीम का, वो आपके सेकंड बेस्ट बॉलर हैं सर, और उनके साथ जो आज ऑस्ट्रेलियन टीम ने किया है, मैं कहता हूं कि हमारे लिए आई ओपनर है। हम जो स्क्वाड लेके आए हैं, जिसके लिए हम पीटते थे कि भाई कुछ कर लो, कुछ कर लो नौजवानों, उठती जवानियां हैं, और ये जो उठती जवानियां हम चाह रहे थे टीम में लाने के लिए, उनको नहीं लाया गया, और फिर जिनको लाया गया उनके साथ हो क्या रहा है? देखिए आज अगेन आपको मैच में वापस कौन लेके आया? उसामा मीर। लेकिन आप उससे पूरे ओवर अगेन नहीं करवा रहे क्योंकि वो आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं है। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट चॉइस अभी भी आपकी शादाब खान है, उसको मार पिटे, उसको जो मर्जी हो, वो उसको वो दरमियान में आधे आधी पिच के ऊपर यार वो बॉल फेंक रहा है, मतलब हैरान हूं मैं। और उसको जिस तरह से उसको धोया है शादाब खान को, जिस तरह से मार पिटी है, वो मतलब कहीं लग ही नहीं रहा कि वो आपकी मिडिल ओवर्स में विकेट टेकिंग ऑप्शन है। जो आज मिडिल ओवर्स में आपकी विकेट टेकिंग ऑप्शंस लगे हैं उनमें मैं ये समझता हूं कि उसामा मीर सो फार सो गुड, इस द बेस्ट चॉइस फॉर पाकिस्तान, कि अभी तक पाकिस्तान की ओवरऑल टीम में जो बंदा ठीक बॉलिंग कर रहा है वो उसामा मीर है। और उसके अलावा आज जो बॉलिंग की है मोहम्मद नवाज ने, वो भी बेहतर बॉलिंग की है, और मैं ये कहूंगा कि हमने स्टार्ट भी कोई बुरा नहीं किया, हसन अली ने स्टार्ट का स्पेल बहुत अच्छा किया है, सिवाय इक्का दुक्का उसको मार जो पिटी है, अदरवाइज उसने अच्छा स्पेल किया है। शाहीन शाह अफरीदी भी अच्छे रिदम में स्टार्ट में नजर आ रहे थे, और एक दो कुछ मतलब एक दो से ज्यादा ही बल्कि बहुत ज्यादा उन्होंने अनप्लेएबल किस्म की डिलीवरीज की हैं, इन दोनों ने की हैं। उसके बाद बहरहाल 10 ओवरों में 64, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज्यादा मैच हमारे हाथ से नहीं गया, बिल्कुल वैसे जैसे उनकी बारी में गया था, न्यूजीलैंड की बारी में गया था। लेकिन यहां पर आकर फिर आपको दो लगातार विकेट्स लेके देता है एक बंदा जिसका नाम है उसामा मीर, लेकिन क्योंकि वो आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं है, आप उसे कुछ ओवर्स करवाते हैं, एक आध ओवर में उसका एक्सपेंसिव जाता है, और साथ ही उस तरफ से जो है वो मोहम्मद वसीम जूनियर को लाया जाता है। मोहम्मद वसीम जूनियर अगेन मिक्स, कहीं कहीं उसने अच्छी बॉल डाली है लेकिन कहीं कहीं उसको बहुत बुरी बॉलें पड़ी हैं और उसको मार पड़ी है एंड में आके उसने। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ने मतलब कहीं पर भी कमी नहीं की, हर जगह से चारों तरफ से धोया है पाकिस्तानी टीम को, और धोना भी चाहिए क्योंकि ये जो पाकिस्तानी टीम है ये सिर्फ इंडिया आया है मौज करने के लिए। वार्म अप में दो वार्म अप मैच हो गए हैं, पहले वार्म अप में न्यूजीलैंड ने इनको कुत्ते की तरह मारा, फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने आज जिस तरीके से मारा है ये तो लग रहा है तो पाकिस्तान ये मैच आसानी से हारेगा, आसानी से ये मैच हार जाएगा। और जिस तरीके से आज उनकी बॉलर को मार पड़ी है, हारिस रऊफ जो बड़ा बड़ा बातें कर रहा था कि भाई विराट कोहली को मैं इंडिया में जाके बोल्ड कर दूंगा, लेकिन भाई वो आज क्लीन बोल्ड हो गया है, 9 ओवर में 97 रन दिया है, मतलब 100 के स्ट्राइक रेट के साथ,
और ये कह रहा है कि भाई मैं विराट कोहली को बोल करूंगा भारत में आके, भारत तो हमारे जैसा पिच है, वहां पर बोलिंग करना हमको बहुत आसानी होगा। भाई ये आसानी होगा तुमको? मतलब हर मैच में ये 300 से ज्यादा रन खा रहे हैं, और क्या ही इनकी बात की जाए। इनके इनसे तो अच्छा नेदरलैंड है, नेदरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को उस दिन 160 के अंदर पैक कर दिया था। ये आगे जाके मुझे लग रहा है ये नेदरलैंड से भी ये हारेंगे, नेदरलैंड ये जैसे कि जिम्बाब्वे से हारे हैं पहले जो वर्ल्ड कप मैच में, इसे नेदरलैंड भी इनको हरा देगा जो पहले मैच होने वाला है इनका जो ग्रुप स्टेज में, मुझे लग रहा है। तो इनके जो बोलिंग है या पूरी तरह से आज ऑस्ट्रेलिया ने एक्सपोज करके रख दिया है। न्यूजीलैंड वालों ने तो अच्छी तरीके से धो दिया था, तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी कहा कि भाई हम क्यों कमी करें, हम भी पहल देते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगता तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।